सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में जो है हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक वेंटिलेटेड लैपटॉप स्टैंड है और ये जो है अमेजोन बेसिक्स का है। तो मैं जल्दी से इसको ओपन करके बताता हूँ। और दोस्तों ये जो है मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, अगर आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। तो दोस्तों पूरा जो है इसको अनबॉक्स करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसा है और किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों ये एक वेंटिलेटेड स्टैंड है, इसमें कोई फ़ैन वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन इसके भी अपने ही फ़ायदे हैं और ये काफ़ी चीप है। अभी मुझे 650 मिला है, हालांकि इसकी जो प्राइस है 800 रुपये है, मतलब 799, लेकिन अभी जो सेल चल रही है उसमें मुझको जो है 649 में पड़ गया है। तो ज़्यादा महंगा नहीं है और दोस्तों कोई भी इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स नहीं है जो कि इसमें ख़राब हो, मतलब ये लॉन्ग जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सही है, मतलब इसकी लाइफ जो अच्छी खासी रहेगी। तो ये देखिए इस प्रकार से दिखेगा। तो ये रहा आपका स्टैंड और आपको किस प्रकार से यूज़ करना है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों ये है आपका अमेजोन का बेसिक वेंटिलेटेड लैपटॉप स्टैंड। तो अब इसकी थोड़ी सी अगर मैं वेट की बात करूँ तो ये जो करीब है आपका 1 kg 100 ग्राम, मतलब 1 kg 100 ग्राम का इसका करीब वेट निकलेगा। तो इसका जो मटेरियल है दोस्तों ये लोहे का मटेरियल है, तो इस कारण ये थोड़ा सा हैवी है, लेकिन एक बात ये ज़रूर है मजबूत है। इस पर आप आराम से कितना भी आपका लैपटॉप भारी हो कोई परेशानी नहीं है, और आपका लैपटॉप भले ही 17 इंच का भी हो कंफर्टेबल रहेगा इस स्टैंड में। तो ये एक रबर है, ये रबर को मैं बता देता हूँ कहाँ लगेगी दोस्तों। तो ये जो होल दिख रहे हैं आपको, ये जो बड़े बड़े जो होल दिख रहे हैं, तो पहले जो है आपको ये फंसाना है, ये आप देख रहे होंगे साइड में, ये रबर के साइड में। तो पहले ऐसे आपको जो है ये मिला के और इसको थोड़ा सा पुश करना है, पुश करोगे आवाज़ भी आएगी थोड़ी, ये देखिए है ना पूरे अच्छे तरीके इस टाइप से। और उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड करना है, खिसका देना है, ये देखिए इस प्रकार से ये मैं स्लाइड कर रहा हूँ और ये लग गया है, ये इधर जो है इधर फंस जाएगा आके, इस प्रकार से रबर लग जाएगी। तो ये देखिए ये रबर जो है दर्पण लगेगी। अब मैं इसको खोल के बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए रबर, ये जो ये वाला हिस्सा नीचे रहेगा, ये जो है रबर लगी हुई है चारों कोने में। तो ये देखिए ये आपका स्टैंड है और ये देखिए एडजस्ट करने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 एडजस्टेबल ये स्टैंड है, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से फंसाना है इसको, इसमें कोई वो नहीं है दोस्तों, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है और कोई फ़ैन नहीं है। तो दोस्तों फ़ैन की बात बता दूं कि कई लोग सोचेंगे कि कूलिंग पैड क्यों नहीं ले लें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कूलिंग पैड उनके लिए अच्छा है जो हैवी गेम खेलते हैं, या तो सुबह से लेकर शाम तक उनका लैपटॉप चलते रहता है। अगर आपका 3 घंटे या 3 घंटे के अंदर ही आपका काम हो जाता है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, इसमें वेंटिलेशन बढ़िया मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से नो मेंटेनेंस वाली चीज़ है, एक बार आप ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ अगर आपका लैपटॉप 3 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा चलता है तो आप कूलिंग पैड ले सकते हो जिसमें कि वो फ़ैन लगा रहता है। अदरवाइज़ तो मैं प्रेफर करूँगा कि ये आप वेंटिलेटेड स्टैंड लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैं हूँ, कई बार मेरा जो 2-2.5 घंटे रेगुलर चलता है, लेकिन उसके बाद मैं
आधा एक घंटे के लिए बंद कर देता हूँ, कुछ काम करने लगता हूँ उसका, फिर ऑन करता हूँ। तो अगर बीच बीच में बंद करके ऑन करते हैं, आप रेगुलरली नहीं चलाते, तो ये स्टैंड काफ़ी बेहतर रहेगा और इससे प्रॉपर जो है वेंटिलेशन मिलता रहेगा। तो इसकी जो मिनिमम हाइट है, आप ये देखिए इधर तक मिनिमम हाइट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लैपटॉप जो है रख के जो है आपको बता देता हूँ। तो ये है मेरा लैपटॉप। तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, इधर पर इधर जो है एयर जो है आपकी पास नहीं होती, इधर से जो वेंटिलेशन नहीं मिल पाता है, ये हिस्सा जो है नीचे चला जाता है और ये तो एकदम ही नीचे चला जाता है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो लैपटॉप क्या है, इसमें हीट ज़्यादा हो जाता है, तो हीट होने के कारण कई बार रिस्टार्ट भी हो जाता है और हार्डवेयर जो है लैपटॉप के अंदर उसको भी नुकसान पहुँच सकता है और कई बार जो है आपकी फाइल भी क्रैश हो सकती है। तो ये देखिए ये हिस्सा भी नीचे जाता है, बस ये जो हिस्सा है इधर का पीछे का, ये बस जो है बाहर रहता था, अदरवाइज तो पूरा जो है नीचे चला जाता है, जिस कारण जो है वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती। और दूसरी एक और चीज़ है दोस्तों, इसमें जो है आपकी गर्दन वगैरह भी नहीं दुखेगी, क्योंकि ये जो है अपने हिसाब से इसकी हाइट जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए, और ये आराम से ओपन हो जाएगा। मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ, ये देखिए, एक मिनट, इसको थोड़ा सा आपको ये खोलने के बाद ये थोड़ी देर पकड़ना पड़ेगा, ये देखिए आराम से जो है ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये मिनिमम हाइट है, और मैं जो हूँ दोस्तों इसको प्रिफर करता हूँ मिनिमम हाइट को ही, और अगर आप चाहें तो इसकी मैक्सिमम हाइट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, और इसमें जो है आराम से ये टाइप वगैरह कर सकते हैं आप, ये देखिए, और ये देखिए कोई हिल, मतलब कोई हिल नहीं रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि ये हिल रहा है स्टैंड, क्योंकि स्टैंड जो है काफ़ी मजबूत है। तो आपके जो लैपटॉप को जो है प्रॉपर जो है वेंटिलेशन इससे मिलता रहेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया होगा, और अभी भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप इसको देख सकते हो और खरीद भी सकते हो। तो ये देखिए, और मैं एक एडजस्ट करके बता देता हूँ, ये देखिए। तो इस प्रकार से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, और आपका जो लैपटॉप अगर 17 इंच का भी है और कितना भी भारी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे जो हैं गैजेट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं उनका अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।